यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई क्यों आए हैं, और उनकी मुंबई यात्रा में जब वो अक्षय कुमार, कैलाश खेर और कई सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स से मिल रहे हैं, तो इससे बाकी के राजनीतिक दलों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसका जवाब दे रहा हूं इस वीडियो में। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी आए हुए हैं मुंबई में, और उनके आने का मुख्य मकसद जो है वो है लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना, जो उन्होंने आज करा दिया। इसके अलावा वो इस यात्रा के दौरान अक्षय कुमार से मिल चुके हैं, कैलाश खेर से मिल चुके हैं, और बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स से मिलने वाले हैं। आज भी ये मुलाकात होती रहेगी। अब इस बात को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और सीधे निशाने पर ले रहे हैं सीएम योगी जी को। उनका ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार बॉलीवुड को मुंबई से छीनना चाहती है, महाराष्ट्र से छीनना चाहती है, तो हम उनकी ये मंसूबे जो है वो कामयाब नहीं होने देंगे, और हम किसी भी स्तर पे इस बात को अलाउ नहीं करेंगे कि बॉलीवुड का जो तमगा है वो महाराष्ट्र से या मुंबई से छिन जाए। और इसको लेकर काफी तीखी बयानबाजी हो रही है, चाहे कांग्रेस नेता संजय निरुपम हो या शिवसेना नेता संजय राउत हो, सभी नेता इस पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं और सीधे तौर पर यूपी गवर्नमेंट को निशाने पर लिया हुआ है। उधर बॉलीवुड पहले से ही लोगों के निशाने पर है। आप देख ही रहे हैं पिछले 6 महीने में बॉलीवुड ने क्या क्या नहीं देखा, जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं की थी किसी ने। अब ऐसे में अक्षय कुमार मिलने तो पहुंच गए हैं यूपी के सीएम से। अब ऐसे में बॉलीवुड क्या फैसला लेता है, क्या बॉलीवुड यूपी गवर्नमेंट की तरफ अपना झुकाव दिखाता है, नहीं दिखाता है? क्योंकि ये बात भी उतनी ही सही है कि महाराष्ट्र सरकार से एक तबके को शिकायत ये भी है कि लॉकडाउन के दौरान कोई खास व्यवस्था नहीं की गई फिल्म इंडस्ट्री की, और अब यूपी गवर्नमेंट खुद से बाहें फैलाकर आगे आ रही है कि आप आइए और हमारे यहाँ फिल्में बनाइए, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, क्या बॉलीवुड जाएगा यूपी की तरफ, नहीं जाएगा, कुछ लोग जाएंगे, आधे लोग जाएंगे, या दोनों तरफ पैर रखेंगे, दोनों नावों की सवारी करेंगे, क्या होगा ये देखने वाली बात है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइए। मामला इस समय काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि एक प्रदेश का सीएम दूसरे प्रदेश में आया हुआ है और वहां का जो सबसे पॉपुलर इंडस्ट्री है उसके लोगों से मिल रहा है, और वहां की सरकार को इससे प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्यों हो रहा है। अब ऐसे में जनता क्या सोचती है और वो इंडस्ट्री क्या सोचती है, ये देखने वाली बात है।